गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म कैसे हैं आप सभी और दिवाली का बिल्कुल टाइम चल रहा है एकदम दो दिन बचे हैं परसों दिवाली है तो आप सब उसमें भी बिजी होंगे एवरीबडी इज़ बिज़ी एंड होना भी चाहिए ये आ, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है इंडिया का बट हमें हमारी स्टडीज़ को इग्नोर नहीं करना है कल रात को एक सेशन आया था गए सी का मैंने आ, कुछ क्वेश्चन करवाए थे सी के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के मैं फीडबैक चाहूँगी आपसे और उससे भी पहले मैं माफ़ी चाहूँगी आप सबसे क्योंकि ये क्लास पहले नौ बजे होने वाली थी देन इट चेंज टू टेन एंड देन इट बिकेम टेन फिफ्टीन और स्टिल अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था तो आ, अभी भी लेट स्टार्ट हुआ है तो वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस एंड वी आर सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस दैट कॉजिज यू एंड नाउ स्टार्टिंग विद दिस आज हम लोग करेंगे सी एच एस एल का आ, सेशन सी एच एस एल टू थाउजेंड नाइनटीन जो थोड़े से पेपर हुए थे मार्च में और लॉकडाउन के एक बहुत बड़े गैप के बाद हुए थे रिज्यूम हुए थे अक्टूबर में तो जो अक्टूबर में और मार्च में जो क्वेश्चन हुए हैं उन क्वेश्चन में से आज उन पटारे में से हम निकाल के लाए हैं सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस और सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है ना वो बिल्कुल ये है कि आप यू no, नो देखते ही बहुत सारे कर पाओगे सिर्फ कुछ मुझे लगता है सिर्फ टेन या ट्वेल्व ऐसे होंगे जो नए होंगे तो जो नए लगे ना गाइज उनको जरूर से आज नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर और स्टार्ट करने से पहले क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बस ये वाला बात मैं जरूर कहूंगी कि हालांकि हमने बहुत ज्यादा केयर करके बनाया है लेकिन ऐसा हो सकता है कि डेट्स ना ऊपर नीचे हो गई हो पीछे वाली ठीक है लास्ट वाली ऊपर नीचे डेट्स हो गई हो शिफ्ट वाली ऊपर नीचे हो गई तो प्लीज उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर आप लोगों को तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ बाकी सब कुछ सही है चलो शुरू करें हम और अगर आपने नहीं कर तो शेयर जरूर करिएगा इस सेशन को क्योंकि ये सेशन जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं सबसे कहूंगी इस सेशन को जल्दी से क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत देर से यहां पे वेट कर रहे हैं बस एक बार शेयर जरूर से करिएगा इस सेशन को जिससे कि ये सेशन सब तक पहुंच सके ठीक है बहुत ध्यान से शेयर करिएगा चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे आ रहा है अच्छा आप बताइए ये पहला क्वेश्चन है पहला शिफ्ट है आप बताइए क्या चाहते हैं सेवनटीन मार्च से स्टार्ट करें हम लोग इसको या हम इसको स्टार्ट करें उससे अक्टूबर से या हम स्टार्ट करें ट्वेंटी सिक्स ऑक्टूबर से किससे स्टार्ट करें अच्छा साधना ओके गॉट योर पॉइंट चलिए शुरू करते हैं सेशन टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिल रही है ऐसा कैसे हो रहा है पीडीएफ मिलती है ठीक है मिल जाएगी अगर नहीं मिले तो आज हम लोग चेक कर लेंगे सारा मिल जाएगा सेवनटीन मार्च का क्वेश्चन आ गया आपके सामने पहला हम कर लेते हैं तब तक आप बताइए स्टार्टिंग से ही करें या बैक से स्टार्ट करें हैट्स ऑफ टू समवन कब हैट्स ऑफ करते हैं किसी को जब उसने कोई बहुत अच्छा सा काम किया है बहुत डिफरेंट सा काम किया है बहुत अप्रिशिएशन वाला काम किया है एडमरेशन वाला काम किया है तो या तो किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना कॉन्ग्रेचुलेशन करना किसी को या फिर किसी को एडमायर करना प्रेस करना एक्नॉलेज करना तारीफ करना प्रशंसा करना राइट हैट्स ऑफ करना यानी कि प्रशंसा में आप उसके लिए सर झुकाते हैं या फिर आप उसको प्रशंसा करते हैं आप उसको एडमायर करते हैं उसको कहते हैं राइट हाँ, शेयर करके आगे चलो स्टार्ट से करवा रही हूं फर्स्ट हो गया है सेकेंड आंसर इसका राइट right है और थोड़ा सा स्पीडी चलेंगे राइट right? कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यहां पे लिखा हुआ है आ लॉट ऑफ वर्क हैज गॉन बिहाइंड द सीन बिहाइंड द सीन लिखा हुआ है बिहाइंड द सीन क्या होता है वॉट इज बिहाइंड द सीन जो हमें पता ना बहुत सारा चीज हुआ है बिहाइंड द सीन स्टेज पे क्या होता है हमें सबको पता होता है लेकिन वॉट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन यानी ये सीन के पीछे बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है बिहाइंड द स्टेज क्या हो रहा है दैट वी डू नॉट नो इसलिए बिहाइंड द सीन क्या होता है इन द थिएटर अनु एवरी वन जो किसी को नहीं पता हो दैट इज कॉल्ड बिहाइंड द सीन अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे हिज गाइड आज हिम टू पुल अप हिज सॉक्स ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ दिनों ही पढ़ा था पहले पढ़ा था कोई ईडियम हम लोग कर रहे थे ईडियम के सेशन में वहां पे ही आया था है ना तो To pull up his socks या to pull somebody's socks इसका मतलब क्या होता है Socks जितना आप हो सकते हैं उतना आप करना मतलब जितना एफर्ट लगा सकते हो उतना एफर्ट लगाओ जितना कोशिश कर सकते हो उतना कोशिश करो हार नहीं माननी है जहां तक आपका कट ऑफ नहीं आता वहां तक आपको क्या करना है यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स मतलब जितने एफर्ट्स डाल सकते हैं उतने एफर्ट्स डालिए ड्रेस मोर केयरफुली नहीं गिव अटेंशन टू हिज अपीरियंस नहीं टेक केयर ऑफ मॉरल नहीं ये मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्पीड सही है या ज्यादा है या थोड़ी सी कम है प्लीज प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर दीजिएगा राइट आंसर फोर इसी के साथ चलेंगे नंबर पे वी एंजॉयड द फिल्म बिकॉज इट अ डाउन डाउन टू टू अर्थ अर्थ था किसका ऑफ मॉडर्न लाइफ मॉडर्न लाइफ को डाउन टू अर्थ इसमें दिखाया गया है तो क्या होगा शॉर्ट एंड मीनिंगफुल प्लीजिंग एंड एंटरटेनिंग फैंसीफुल एंड ड्रीम लाइक या प्रैक्टिकल तो देखो डाउन टू अर्थ पर्सन कैसा होता है हम लोग कहते हैं कोई पर्सन है बहुत रिच है बहुत फेमिलियर है है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ है अगर वो बहुत पोलाइट है बहुत ही अच्छे से किसी से बिहेव करता है या बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है सिंपल रहता है, है ना तो वो प्रैक्टिकल पर्सन है सिंपल पर्सन है जैन्यन पर्सन है एंड उसको बहुत ज़्यादा शो शा करने की आदत नहीं है उसको बहुत ज़्यादा फैंसीफुल बनने की आदत नहीं है उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बनने की आदत नहीं है तो राइट right आंसर फोर होगा अगले वाले में चलेंगे नंबर 5 पे बैक इन सैडल अभी दिवाली का ब्रेक होने वाला है आफ्टर दिवाली वी विल डेफिनेटली बैक इन सैडल दिवाली के बाद हम फिर से बैक इन सैडल हो जाएंगे इसका मतलब क्या है वी विल रिज्यूम आवर ड्यूटी हम हमारे ड्यूटी पे रिज्यूम हो जाएंगे जो कि हमारा ड्यूटी नहीं है हमारे लिए हमारा काम एंटरटेनमेंट की तरह होता है बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है हमारे लिए तो बैक इन सैडल ठीक है राइट आंसर वन नेक्स्ट पे चलेंगे सिक्स नंबर पे वेन दे रेड अबाउट द प्रपोज स्ट्राइक ऑफ द बसेस दे सैड वी विल क्रॉस दैट ब्रिज वेन वी कम टू इट ठीक है ये समझिएगा ध्यान से बहुत बार रिपीटेड है ये वाला इडियम बहुत बार रिपीटेड है पता है कब आया था ये लास्ट टाइम इस 17 मार्च 2020 लिखा हुआ इसमें डेट्स का देख लीजिएगा गाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट यू नो व्हाट इज इट जब वो ब्रिज पे हम पहुंचेंगे ना तभी उस

हम तुम्हारी मदद करेंगे कम वॉट में का मतलब ये होता चाहे जो भी हो ठीक है हाँ ये प्रीवियस ईयर सीपीओ में आ चुका है बहुत ज्यादा ये तो मैं ये कहूंगी ये वाला जो है ना ये मैंने जब आप लोगों को प्रीवियस ईयर करवा रही थी मैंने शायद आपको बताया भी था ट्वेंटी में ये दो या तीन बार आ चुका है सिक्सटीन में ये दो बार आ चुका है फिफ्टीन में ये एक बार आ चुका है एटीन में ये दो बार आ चुका है और नाइनटीन में हमें ये एक बार तो अभी दिखाया है और मुझे एकदम अंदाजा है कि एक बार और आने वाला है ये तो देखो कितने बार पिछले फाइव ईयर में ये सी में रिपीट हुआ है टू 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 एंड टू एट टाइम्स रिपीट हो चुका है और मुझे लगता है एक और बार आने वाला है राइट right? अगले वाले में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन नंबर Vanish into the air. Vanish into the air. Air में अगर कोई चीज गायब हो गई तो फिर हमें वो दिखाई देगी क्या बिल्कुल नहीं दिखाई देगी इसका मतलब क्या होता है पूरी तरीके से हो जाना गायब मतलब बातें तो बड़ी बड़ी हुई थी कंपनी की है ना या बातें तो ऐसी होती हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे पर थोड़े समय बाद एवरीथिंग गोज वैनिश इन टू द एयर मतलब चीजें क्या हो जाती हैं गायब हो जाती हैं खुश रहो आकाश खुश रहो खूब तरक्की करो राइट right? और सबका सिलेक्शन हो ऐसी प्रार्थना भी करो लेकिन तुम साथ साथ में ओके okay? 2020 में भी आएगा बिल्कुल आएगा डेफिनेटली कुछ इडियम्स तो ऐसे होते हैं जो हर बार ही आते हैं ये उनमें से एक था चलो नंबर एट पे आ जाएंगे Take one's hats off. नहीं, नहीं, hat off. किसी का hat off कर लेना टू अच्छा हेट्स ऑफ करना किसी को किसी को हैट्स ऑफ करना वही बोला जा रहा है शो एडमिनेशन तारीफ करना वही होगा इसका मीनिंग क्या क्या पीछे सॉरी यस दिस इज योर राइट आंसर एंगर नहीं ह्यूमिलिटी नहीं डिसअप्रूवल नहीं सारे नेगेटिव वर्ड है दोबारा से आ गया 19 में ही अभी दो पेपर ऐसे आएंगे जिसमें दोनों idiom रिपीटेड है देखना आप लगातार आएंगे मैंने अभी देखा था इसलिए मुझे पता है नेक्स्ट देखो एट्थ हो गया है नाइन नंबर पे चलेंगे टच ऑल बेसिस सारे बेसिस सारे ग्राउंड टच करना बेसिस यानी क्या होता है आधार बेसिक होता है ना आधार तो आ, सारे आधारों को सारे तहों को टच करना हर कॉर्नर छूना ठीक है टच ऑल कॉर्नर एक और इडियम होता है टच ऑल कॉर्नर्स या फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स होता है ना एक उसका मतलब क्या होता है हर जगह से तो इंक्लूड एवरीथिंग हर चीज को इंक्लूड करना सेशन कैसा लग रहा है स्पीड कैसी है ये बताइए ठीक है दीपक कोई बात नहीं कोई कमेंट मत करिए जितना इंपॉर्टेंट हो उतना ही करिएगा आंसर देते रहिए जो लोग लेट आए उनका स्वागत कर दीजिए और बता दीजिए कि कितना मिस हो गया है उनका और सेशन में स्पीड बताइए मुझे जल्दी से ठीक है ज्यादा है कम है ये जरूर बताइएगा नेक्स्ट पे चलेंगे टेन नंबर क्वेश्चन द पुलिस वॉज एबल टू फाइंड द गिल्टी पुलिस वॉज एबल पता चल गया था पुलिस को कौन है गिल्टी दोषी कौन है उसको फाइंड तो कर लिया था पुलिस ने बट द बिग फिश Escaped. अरे ये बिग फिश कहाँ आया था कौन सा पेपर है ये 18 मार्च 2020 का पेपर है ये बिग फिश अभी अभी ये दोबारा आएगा यानी कि बिग फिश मतलब क्या होता है जैसे पकड़ते हैं किसी को यार मोटी मछली अच्छा रकम मिलेगा लोग मूवीज में ऐसे डायलॉग सुनते हैं जब किसी को वो कर दिया जाता है किडनैप कर दिया जाता है और फिरौती मांगी जाती है तो वहां ये डायलॉग यूज होता है बिग फिश है बड़ी मछली है यानी कि बड़ा अच्छा माल मिलने वाला है तो मतलब मे यहाँ पे तो इसका मेन लीडर्स मीनिंग होगा वरना मेन पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जो बहुत ज्यादा रिच हो राइट ठीक है पीडीएफ नहीं मिल रहा है टेलीग्राम में अर्पिता मैंने सुन लिया और आंसर भी कर दिया प्लीज टेन टाइम्स एक ही मैसेज ना करें ठीक है मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आई विल टॉक टू पीपल एंड दे विल सेंड यू एवरी पीडीएफ बिफोर गोइंग ओके मिल जाएगा आपको सब कुछ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इलेवन नंबर कट टू चेज कट टू द चेज क्या होता है एक होता है कट शॉर्ट राइट एक होता है बीट अराउंड बता रही हूँ क्योंकि सब कुछ सेम सेम है बीट अराउंड द बुश यू नो व्हाट इट इज अलग अलग मीनिंग है हालांकि एक तो कट शॉर्ट होता है कट शॉर्ट का मतलब इन ब्रीफ शॉर्ट में चीजें समझा दी है ना सिंपल एक लाइन में सब कुछ कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऐसे करके बात होती तो कट शॉर्ट करना यानी शॉट में समझाना एक होता है बीट अराउंड द बुश इसका मतलब क्या होता है ये पॉइंट है इसके चारों तरफ घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं यानी मेन पॉइंट को छोड़ के बाकी सब बता दिया लेकिन नेक्स्ट है कट टू द चेज इसका मतलब क्या होता है टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करना जस्ट ऑपोजिट है, ये देखो, में क्या होता है? को छोड़ देना और बाकी चीजों पर घूमते रहना और पे पे बात करना और लीव कर देना, डिटेल डिटेल नहीं बताया तो भी कोई बात नहीं इससे मेन मेन बात उसको बता दी जाती है उसे बोलते हैं दिलराज एक्सेप्ट ओके आपका बताइए मार्क्स बता दीजिएगा हम बताते हैं। ठीक है ये नहीं है मुद्दे पर नहीं आना वो तो ये होता है बीट अराउंड द बुश और ये है मुद्दे की बात करना मेन मेन और डिटेल्स को छोड़ देना शॉर्ट में मेन बात कर ली राइट अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे कीपा सिविल टंग सिविल टंग रखना यानी कि बहुत ही ज्यादा पोलाइट होना हो सकता है ये वाला नया हो गाइस ट्वेल्व नंबर नोट कर लीजिएगा ट्वेल्व नंबर आप लोग और इस तरीके से नोट करिए जैसे मुझे ट्वेल्व रिवाइज करना है मुझे फिफ्टी फोर रिवाइज करना है मुझे थर्टी सिक्स रिवाइज करना है इससे क्या होगा यह आप एक बार नोट कर लेंगे ना दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये नए इडियम से याद हो जाएंगे राइट चलिए ओके okay अर्पिता आगे चलेंगे तो कीप आ सिविल टंग का मतलब क्या हो गया पोलाइट रहना कहां पे लिखा हुआ है स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस ये होगा इसका राइट आंसर ओके स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस अगले वाले में चलेंगे Every cloud has a silver lining. देखो बहुत बार रिपीट होता है ये हर क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग होती है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आ,

अच्छा है डेट और बता दो एक बारी कौन से डेट को आपका एग्जाम हुआ था ओके माही गॉट योर पॉइंट मेड आउट ऑफ होल क्लोथ होल क्लोथ का बना हुआ कोई चीज है ना अब देखो होल क्लोथ क्या होता है होल क्लोथ क्या होता है बाजार से बाजार से जो हम कपड़ा लाते हैं ना जैसे कपड़ा लाया उसका फिर कोई ड्रेस बनवा लिया है ना तो दैट इज उसको बोलते हैं होल क्लोथ लेकिन अगर कोई चीज़ मेड आउट ऑफ होल तो हम क्या करते हैं पूरे के पूरे कपड़ा को, को इस्तेमाल नहीं करते है. कुछ पार्ट इधर से काटा कुछ पार्ट इधर से काटा इस तरीके से है, है ना तो अगर कोई चीज़ पूरे के पूरे क्लोथ से बनी हुई है तो वो अविश्वसनीय सा लगता है कि नो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है entirely false and fabricated this is the right answer entirely false and fabricated jo ki fake ho jo saaf saaf dikh raha no no it is not possible ye to kaisa hai fake hai right चलिए 16 October का आपका exam हाँ, आप है हाँ चलिए आप तैयारी करिए आराम से कोई दिक्कत नहीं है Reinventing the wheel. व्हील अब देखो इसको कैसे समझो ये हमारा व्हील है एक बार व्हील बन गया व्हील बन गया अब एकदम ऐसा रेडी हो गया कि आप इसको चला सकते हो है ना व्हील बन गया रेडी हो गया अब जब व्हील बन गया है तभी तो हम इसको व्हील कह रहे हैं जब व्हील बन गया तो अब आप इसको बैठ के री इनवेंट कर रहे हो इसके तार को सजा रहे हो डेकोरेट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो जो काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है सेटिसली कंप्लीट हो गया है व्हील बन गया है गाइस बन गया है व्हील तो पूरा हो चुका है यानी कि आप उसी में और टाइम दिए जा रहे हो कई बार हो जाता है ना हमारा प्रोजेक्ट तो बन गया लेकिन फाइल को डेकोरेट 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 करने में इतना टाइम निकाल दिया कि उसका जो डेडलाइन था वो निकल गया है ठीक है दिलराज यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट नेक्स्ट एग्जाम टीयर टू ओके तो दिस इज द राइट आंसर वेस्टिंग टाइम फॉर थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन डन जो बहुत आराम से संतुष्टि के साथ आपने काम कर लिया उसमें भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं राइट चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं फेल फॉलिंग हेड ओवर हील्स फॉलिंग हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है ओके okay. फॉलिंग हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है फॉलिंग मतलब क्या होता है गिरना ठीक है हेड हेड ओवर ओवर हील्स हील्स का मतलब क्या होता है हेड ओवर हील्स का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या हो रहा है uh, कि आप कुछ उलट पुलट सा काम कर रहे हो जो रियल नहीं है जो वाकई नहीं हो रहा है जो ऐसे ही मतलब कर रहे हो उलट पुलट इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं इसको कहते हैं कोई ऐसी सिचुएशन में होना जिसमें आपको होश ही नहीं है कैसी सिचुएशन में होते हैं जब होश नहीं होता है सोच के बताओ सबको आएगा ये आंसर सबको सबको आएगा ये आंसर का मतलब क्या होता है आप ऐसी सिचुएशन में पड़ गए हो जिसमें आप क्या कर रहे हो आपको खुद को होश नहीं है माने आप चीजों को खराब कर रहे हो या सही कर रहे हो आपको नहीं पता ठीक है आंसर बता रहे हैं क्या सिक्सटीन का आ, ये सिर्फ हार्ट दिया यार बी बोल रहे हैं फीलिंग डीप सिंपथी टू द नीडी नहीं नहीं यहाँ पे आप रॉन्ग हो गए डॉली बिकॉज मैंने बोला एक ऐसी सिचुएशन में पड़ गए हो जिसमें आपको होश नहीं रहता है इसलिए हेड के ऊपर ही चल रहा है आपका समझ में आ रहा है बताओ क्या होगा ए होगा यस yes, एग्जैक्टली exactly, ए होगा मैं बोल रही हूँ ना एक ऐसी में पड़ गए कि आपको होश नहीं है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इसलिए सर पे हील रख के घूम सकते हो आप समझ में आ गया फॉलिंग इन लव ये बोल रहा है प्यार में है बेटा इसलिए नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं गलत भी सही और सही भी गलत लगने लग जाता है यू नो यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस लोग आते हैं वही लोग बता के गए हैं ये सारी चीजें है ना अगर आप लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है तो यू कैन शेयर योर्स नेक्स्ट वाले पे चलते हैं इन आ फॉग अगर आप फॉग में हैं तो मतलब क्या होता है फॉग में आगे की चीज क्लियर नहीं होती दिखाई नहीं देती ड्राइव कर रहे हैं तो आप बहुत स्लोली बहुत केयरफुली नीड टू ड्राइव बिकॉज आगे क्या है पता नहीं राइट right? तो दिस इज कॉल्ड फॉग में तो फॉग में अगर है तो ट्रैप्ड इन वेदर? नहीं। साइटलेस एंड ब्लाइंड नहीं Confused, exactly. अगर आपको जब ईडी है तो ईडीएम थोड़ी ना रियल मीनिंग रिलेट करता Fog में नहीं, है नहीं होता है डॉली आपको हुआ है क्या अगर होता तो शायद आप ये वाली लाइन नहीं कहते बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं होता है होता तो होशो आवाज में उसके बाद आप अपना होश खो बैठते हो इसलिए आपको नहीं पता चीजें क्या होती है सही और क्या गलत नहीं पता चलता है हाँ तो इना फॉग मतलब कन्फ्यूज एंड

तो आपको ये भी आ जाएगा नीदर फिश नॉर फाउल इसका मतलब क्या होता है एक ऐसी सिचुएशन टेलीग्राम चैनल बताऊं अभी बताती हूँ नेक्स्ट पेज पे आएगा ये बड़ा है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा एक सेकंड रुके नीदर फिश गले की हड्डी ना निगली जाए ना निकाली जाए समझ में आ रहा है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कोई कोई ऐसा पर्सन कोई ऐसा यू you नो know, काम आ गया है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया है पर्सन के लिए बेसिकली होता है एक ऐसा पर्सन जिसको आप अपनी लाइफ से निकाल भी नहीं सकते रख भी नहीं सकते वो होता है बोन ऑफ कंटेंशन ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या होगा समथिंग विच कैन नीदर बी कैटेगराइज यही होगा ना तो इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो अलग अलग वाइफरकेट कर सकते हो और ना ही उसको बी फिटिंग ली बी फिटिंग मतलब क्या होता है अप्रोप्रिएटली ना ही उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो अप्रोप्रिएटली यानी ना तो आप उसको अपने पास रखना चाह रहे हो ना ही उसको आप अलग करना चाह रहे हो दिस इज बोन ऑफ कंटेंशन जिस जिसका मेंस है मैं मेंस वालों को बता दूं आज की डेट में या फिर कल की डेट में एक सेशन जरूर आएगा गाइज जहां पर हम बात करेंगे मेंस के 200 क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें सिर्फ मैं इतना बताऊंगी 10 मिनट में कि आपको क्या कहले कैसे करना चाहिए ठीक है बस इतना करिएगा ओके चलिए और बाकी सबको ऑल द बेस्ट है मेंस वालों को बहुत अच्छे से करिएगा हमने हालांकि आपकी प्रैक्टिस करवाई है पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होगा उन लोगों के लिए आएगा ये सेशन ठीक है वेरी गुड आकाश बहुत अच्छा किया कुछ ऐसी चीज देनी चाहिए जो यूजफुल हो है ना रोज तो दो दिन में सूख जाता ऐसा सोच के आपने वो दिया बहुत अच्छा किया चलो आगे बढ़ते हैं अप इन आर्म्स ये आ गया है हमारा अक्टूबर शुरू हो गया है यानी कि यहाँ पे से तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ सेशन मैंने करवाए हुए हैं तो आएगा भी सही झगड़े की जड़ एग्जैक्टली एक्सैक्टली हो सकता है हाँ ये भी हो सकता है पर बोन ऑफ कंटेंशन एक्चुअली क्या होता है जैसे कि बोन ऑफ कंटेंशन है ये बोन ऑफ कंटेंशन इसको बोला जाता है ना तो कई बार क्या होता है इधर इतना चुबन होता है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का तो इसको हम निकाल तो वैसे ही नहीं सकते लेकिन इसको अंदर रखना बहुत ही ज्यादा अलग लगता है वियर्ड लगता है लगता है और खुद को बहुत परेशानी होती है तो इसीलिए इसको बोन ऑफ कंटेंशन कहा जाता है बॉइस के निकला होता है हिस्सा इसलिए इसको कहा जाता है तो बोन ऑफ कंटेंशन समथिंग जिसको हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे जिसको हम सेग्रीगेट या सेपरेट भी नहीं कर पा रहे हो अपने आप से इसको बोला जाता है ठीक है चलिए आप पे नाम्स करवा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आप पे नाम्स का मतलब क्या होता है एक वैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गुस्से में हो आप इन आर्म्स हो यानी एंग्री अबाउट समथिंग हो ठीक है ट्वेंटी स्टार आप हॉर्नेट्स नेस्ट एक हॉर्नेस हॉर्नेट्स नेस्ट आता है और यहाँ पे है स्टर ऑफ अ हॉर्नेट्स नेस्ट

प्रवोक कई लोगों को तो ना टॉर्च बनने का शौक समझ में आया टॉर्च में किसको बोल रही हूँ जिसको समझ में आया टाइप करिएगा जरूर से नहीं माही कुछ टफ नहीं था अभी आप आगे आएंगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा ठीक है कंपैरिजन करिएगा आराम से टॉर्च में किसको बोल रही हूं अंदाजा है आप लोगों को कौन लोग कर, किन लोगों को टॉर्च कहा जाता है टाइप करिएगा उकसाना राइट आंसर ट्वेंटी का थ्री होगा अगले वाले में चलेंगे ट्वेंटी वन पे ये रहा एक्शन स्पीक सॉरी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड एक्शन शब्दों से ज्यादा बोलते हैं मतलब आप क्या कहते हैं इट डजेंट मैटर आप क्या करते हैं दैट मैटर्स और वो ही आपकी रियलिटी होता है जो आप करते हैं राइट सॉरे अब आपका सीपीओ का एग्जाम है और बहुत सारे औरों का भी एग्जाम होगा है ना तो जिन जिन का भी एग्जाम है ऑल द बेस्ट सीपीओ के लिए बहुत सारे सेशन आ रहे हैं कल रात का सेशन देखा था क्या अगर आप लोगों ने देखा है तो प्लीज 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 बताइए जो आग लगाए एग्जैक्टली exactly बिल्कुल right, सही है आग लगाने वालों को टॉर्च कहा जाता है उन लोग का काम क्या होता है उसको जाके लड़वा दिया उसको जा और ऐसे लोग एंजॉय बहुत करते हैं अग्रोवेट करके लोगों को है ना मजा भी आता है इन लोगों को तो इसलिए इनको टॉर्च कहा जाता है ठीक है चलो बाकी लोगों ने आंसर दे दिया डॉली सुन लिया होगा आपने व्हाट डू यू रिवील्स द रियल यू 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 डू डू सॉरी जो आप करते हैं वही रिवील करता है आपके रियल पर्सन पर्सनलिटी को आपके अंदर क्या है वो ठीक है ये इसका राइट आंसर हो गया ट्वेंटी चलेंगे 22 पर, 72 questions हैं, क्योंकि थर्टी सिक्स शिफ्ट हुए हैं सी एच एस एल में अभी ठीक तो है तो सी एच एस एल में थर्टी सिक्स शिफ्ट हुए हैं ट्वेल्व अक्टूबर पे हम लोग आ चुके हैं और अभी हमारे 72 में से हम ट्वेंटी टू पे हैं फिफ्टी मोर टू गो ओके पीस ऑफ केक वॉट इज अफ केकस ऑफ केकइट क्वाइटिंग ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके कैसा लगा सेशन रात वाला ये जरूर बताइएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेशन और आने वाले अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है और सेम विद स्टेनो स्टेनो भी करेंगे हम लोग ऐसे ही काउच पोटैटो वॉट इज काउच पोटैटो एक पर्सन जिसको शौक होता है ऐसे सोफा लगाया और ऐसे उसके सामने टी लगाना है और बैठ जाना है बस सोफे पे और बैठे रहना है खाना भी वहीं सोना भी वही इसलिए काउच पे बैठे बैठे वो क्या बन जाता है पोटैटो जैसा फैट बन जाता है क्योंकि वहीं खाता है वही सोता है बस वहीं पे रहता है तो दैट पर्सन इज नोन है वॉट लेजी पर्सन डजेंट ट्राई टू गेट अप फ्रॉम देअर ओके राइट आंसर हाँ एक यहीं पे उस दिन डिस्कस हुआ था एक होता है हॉट पोटैटो इसको बताइए हॉट पोटैटो क्या होता है हॉट पोटैटो इज समथिंग विच इज कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या होता है हॉट टॉपिक जिस पे कोई बोलना नहीं चाहता कब कब आप सुई आपके ऊपर आ जाए इसको बोलते हैं ठीक है थीके? पोटैटो तो कॉन्ट्रोवर्शियल जिसपे एक ऐसा पॉइंट जिसपे कभी भी लड़ाई हो जाए झगड़े का मुद्दा ज्वलंत ज्वलंत बोलते ना हिंदी में एक वर्ड होता है ज्वलंत मुद्दा है ना जिसपे कोई बात नहीं करना चाहता दैट इज हॉट पोटैटो चलिए नेक्स्ट चलते हैं डाइम मतलब होता है कोई चीज इतनी ज्यादा आ जाए इतनी ज्यादा नंबर में आ जाए कि उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाए दैट इज फिनोमिनल एक्सपेंसिव वेरी कॉमन अनकॉमन तो क्या होगा वेरी कॉमन बहुत ज्यादा ठीक है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू इतना ज्यादा मुंह में भर लिया जितना आप चबा भी नहीं सकते तो क्या करोगे कर सिर्फ यही कोशिश करते रहोगे कि कैसे इसको एडजस्ट करा जाए ओके गुड डॉली एक्चुअली क्या होता है रात में बहुत सारे स्टूडेंट्स देख पाते हैं आसानी से क्योंकि उस समय वो लोग अपने फालतू के सारे कामों से फ्री हो चुके होते हैं बहुत सारे लोग चैट से भी फ्री हो चुके होते हैं क्योंकि जितने भी चैट मेकर्स होते हैं ना उस समय वो सब सो चुके होते हैं उनके जो कंपेनियन होते हैं वो सो जाते हैं तो फिर टाइम होता है सबके पास इसलिए हम लोग रात को लगाते हैं राइट right? अगर आप अग्री करते हैं तो हम जब करिए नहीं करते हैं तो प्लीज बताइए ठीक है बाइट ऑफ मोर देन क्यू वन कैन च्यू टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विथ जितना आप हैंडल कर सकते हो ना डील विथ करना जितना हैंडल कर सकते हो उससे ज्यादा ले लेना और फिर ले लेके परेशान होते रहना This is the right answer. वाले लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक बॉल अरे मैं बॉल से बात कर रही हूँ क्या जो आप आंसर नहीं दे रहे हो तो लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक बॉल समझ में आ रहा है आप पेरेंट्स आ रहे हैं आपके हिसाब से पूछ रहे हैं अच्छा ये वाला शॉर्ट ठीक है तुम्हारे लिए दिवाली के लिए हम्म अगर तुम ये वाला मिठाई खा लोगे तो इसका मतलब यू आर बिजी इन दिस योर मोबाइल इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो चीजों पे फैसिनेटेड इन अटेंटिव फाइटेंड सॉरी फ्राइटेंड यानी डरा हुआ होता है या क्यूरियस तो राइट आंसर क्या होगा इन अटेंटिव आप लोग क्या है कंप्लीटली इन अटेंटिव है ठीक है ठीक है विल ट्राई है ना वो कल कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था एक्चुअली पढ़ाते समय पता नहीं चलता है टाइम का कि कितना लंबा हो जाएगा मैंने भी जब लास्ट में टाइम देखा जब मुझे घर जाना था देन इट वाज क्वाइट लेट देन आई रियलाइज कि थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए पीकी वायरस के लिए वीडियो चलो ट्राई करेंगे ठीक है इट टूक रोशन अलॉन्ग टाइम टू गेट देंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री नए फैक्ट्री में रोहन को बहुत टाइम लगा हैंग ऑफ द मशीन बनने में

उसको फैक्ट्री की चीजों से आ, सीखने में या फैक्ट्री के एटमोसफेयर में ढलने में टाइम लगा है ना मशीन्स के बारे में बात नहीं हो रहा है तो ये एक्चुअली इडियम के हिसाब से सेंटेंस में फिट नहीं है अगले वाले में चलेंगे फिट एजल क्या होता है जल्दी से आप लोग बताएंगे जितने लोग देख रहे हैं अगर ट्राई कर सके ठीक है ये दिलराज एम सो सॉरी टू से एक्चुअली एग्जाम में क्या होता है फिट एज अ फिटल का मतलब होता है हेल्दी होना एग्जाम में क्या होता है हम स्ट्रेस्ड होते हैं हमें लगता है गलत ना हो जाए हमें लगता है कि कहीं आ... छूट ना जाए और हम इसे में ना स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हम जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती करते हैं बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लोग गलत कर रहे हैं है ना जो स्पेलिंग आप दिन में -दस बार बिना देखे, बिना देखे बोले याद रहती है जो मन में वो भी गलत कर रहे हैं लोग तो ऐसा होता है ठीक है डोंट वरी अब जो हो गया हो गया आगे ऐसा ना करें उसके लिए अपने आप को थोड़ा फोकस्ड करें ज्यादा प्रैक्टिस करें मेडिटेशन शुरू से आखिर तक अपना हिस्सा बनाए जिंदगी का ताकि चीजें गलत ना हो कम से कम हो राइट चलिए नेक्स्ट है गट फीलिंग अंदर से फील होता है कि ऐसा होने वाला है जैसे नहीं होता है अपने मदर को पहले से लगता है, आज कुछ गलत होने वाला है आज तुम बाहर मत जाओ अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ ऐसे वो कहते रहते हैं तो इसका मतलब गट फीलिंग अंदर से आती रहती है टू एक्सपीरियंस डिसंफर्ट टू फील एन इंस्टिंग अंदर अंतर आत्मा की आवाज गट फीलिंग क्या होती है अंतर आत्मा की आवाज इसको बोलते हैं तो इंस्टिंग की आवाज इंट्यूशन होते जाना फील होते जाना समझे अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे 29 हो गए थर्टी अक्षय इज लाइकली टू टेक हीट टेक हीट को नोट कर लीजिएगा टेक द हीट ही नया हो सकता है इसका सनन एक ही और इडियम होता है फेस द म्यूजिक वॉट इज फेस द म्यूजिक जल्दी से बताइए बहुत बार हमने करा है और पिछले एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है फेस द म्यूजिक संजय देखो संजय ने बोला स्पेलिंग बहुत गलत हो गई बिल्कुल सिंपल सिंपल सी गलत हो गई मेरे ख्याल से संजय हमने डिस्कस भी करा था ना आपका क्वेश्चन उसमें बुके वाला स्पेलिंग शायद वही आपसे ही बात हुई थी है ना हाँ दिवाली के बाद होगा बेटा बिल्कुल होगा फिफ्टी ऑन फिफ्टी का टारगेट और लेके आओगे आप लोग फिफ्टी ऑन फिफ्टी सिर्फ सी एच एस एल नहीं सी एच एस एल सारे और एम टी एस इन सबको टारगेट करेंगे इस बार सारे एग्जाम पूरा पार एकदम करेंगे इस बार ठीक है हाँ, बता दिया गया आप लोगों ने आंसर थर्टी का बी बताया है रिसीव क्रिटिसिज्म एग्जैक्टली फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है तैयार हो जाइए आलोचना सुनने के लिए यही है अक्षय इज लाइकली टू टेक द हीट एंड लिसन टू क्रिटिसिज्म फॉर हैविंग मिस कैलकुलेटेड द एक्सपेंसिस ठीक है चलिए बेयर द रिजल्ट या बेयर द रिजल्ट जो कि नेगेटिव हो तो क्रिटिसिज्म सुनने के लिए रेडी रहो राइट नेक्स्ट टू रीस्टार्ट हिज कैश स्ट्रेप्ड देखिए, देखिए पढ़िएगा। में तो के हिसाब से पढ़ लेते हैं। बैंक लोन उसने डिसाइड किया बैंक लोन अप्लाई करने का क्यों क्योंकि उसकी कैश स्ट्रैप्ड कंपनी को रिस्टार्ट करना था फिर से स्टार्ट करना था फिर से चालू करना था तो बैंक लोन के लिए अप्लाई कराया उसके पास पैसे नहीं थे पैसे नहीं थे यानी कंपनी कैसी थी पैसे पैसे नहीं थे तो यानी कैसी हो एक्सपेंसिव महंगी इंप्रूविंग नहीं इसका कोई लेना देना नहीं पैसे से एक्सपेंडिंग यानी बढ़ाने के लिए नहीं इम्पावरिश पैसे नहीं थे इम्पावरिश माही आँ... देखो मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती पर हाँ आई विल टॉक टू माई टीम फॉर दिस ठीक है योर सेल्फ टूगेदर अपने आप को टुगेदर करना खींचना पूरी देखो इसको इस तरीके से समझो आपका कोई प्रोजेक्ट था जिसमें अपने सारे अपने आइडियाज डाल दिए सारे अपना पैसा लगा दिया अपने जितने भी आपने कोशिश थी एफर्ट से सब कुछ उसमें लगा दिया एट द एंड ऑफ द डे द प्रोजेक्ट गॉट फेल्ड अचानक से वो फेल हो जाता है और अब आपके पास कुछ भी नहीं है ना आइडिया ना मनी ना दिमाग ना लोग कुछ भी नहीं है एफर्ट्स भी नहीं बचे क्योंकि आप अंदर से क्या हो गए टूट गए लेकिन फिर आपको याद आता है कोई बात नहीं एक बार टूट गए तो अगले बार और अच्छा करेंगे तो अगले बार और अच्छा करने के लिए आप क्या करते हो पुल योर सेल्फ टूगेदर पुल योर सेल्फ टूगेदर करते हो इसका मतलब क्या होता है रीगेन कंपोजर बिल्कुल शांत होकर थर्टी टू बी अच्छा गाइज आप लोग नोट कर रहे हैं क्या कि आपके कितने सही हुए मैंने शायद आप लोगों को बोला नहीं शुरुआत में कि प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज नोट भी करिएगा कितने सही हुए हैं ठीक है तो प्लीज ट्राई करिए कि आप लोग ये देखिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं और जो नया है आप लोगों के लिए जैसे ये मान लो थर्टी थ्री आपके लिए नया है तो अपना रजिस्टर है उसमें नोट करिए मैंने ट्वेल्व नंबर पे बताया था कि ट्वेल्व नया है ठीक है uh, ऐसे ही थर्टी थ्री भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो जंप ऑन द बैंड वैगन इसका मतलब क्या होता है डू समथिंग बिकॉज सर्कमस्टेंसेस फोर्स यू टू डू गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड गेट एंगेज इन एन एक्टिविटी दैट इज Very important और uh, do an activity that is fun इसको हिंदी में समझो हिंदी में किसी ने सुना है क्या बहती गंगा में हाथ धोना सुना है क्या सिर्फ पॉइंट ही तो नोट करना है यार कितना टाइम लगेगा ट्वेल्व नंबर लिख दो साइड में बहती गंगा में हाथ धोना सुना है क्या किसी ने बताओ जरा इसको सुना है तो जैसे घर में लोग ऐसे ईडियम का यूज ज्यादा करते हैं हिंदी वाले इसका मतलब क्या होता है वेरी गुड संजय शेयर भी कर दिया करो ना आप अपना आंसर की हम उसको उसमें लगा देंगे आप में से कोई भी एक कर ले हम उसको अपने सीपी पे लगा दे, तो सबका काम हो जाए सोचो कितना अच्छा हो फिर सबका ही काम हो जाएगा ऐसे कर लो देखो बहती गंगा में हाथ धोना मतलब है ऐसी चीज में शामिल हो जाना जिसको पता है अरे आराम से सफलता मिलेगी छू चल दो आप भी तो सब कर रहे थे आपने भी कर लिया तो गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड ये होगा इसका राइट आंसर हाँ ये होगा सेकेंड चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं थर्टी फोर एड इंसल्ट टू इंजरी ये बताइएगा जल्दी से एक मिनट एक मिनट किसी ने कुछ बोला लोकप्रिय चीज का आधा अनुकरण वो तो मेरे ख्याल से वो होता है ना बकरी वाली लाइन में शामिल होना सब लोग उधर जा रहे हैं तो आप भी उधर चले गए कुछ ऐसा होता है उसको मुझे लगता है तो सबको आंसर की एक साथ ही मिल जाएगी ठीक है ना तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद सब आराम से उसको कर लेंगे राइट चलो एड इंसल्ट टू इंजरी क्या होता है वही टॉर्च बन जाना अग्रोवेट situation है क्या यहाँ पे मेक अ bad सिचुएशन इवन वर्स कोई पहले से परेशान है आप उसको जाके और उसके क्या बोलते हैं आग में घी डाल दो या जले पे नमक छिड़क दो या उसकी परेशानी को कम नहीं कर सकते तो और बढ़ा दो अग्रोवेट कर दो उस पर टॉर्च बन जाओ जाके और लड़ाई बढ़ा दो ये होता है मेक अ वैड सिचुएशन इवन वर्स राइट चलेंगे आगे नंबर नेक्स्ट पे 35 इफ समवन इज एन ओल्ड हैंड अगर कोई ओल्ड हैंड है इसका मतलब क्या होता है ओल्ड हैंड है यानी कि उसने अपना मतलब यूं ही धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं बाल सफेद कैसे होते हैं एक्सपीरियंस है Experience. तो ओल्ड हैंड है मतलब यानी कि एक्सपीरियंस्ड है पर्सन अगले वाले में चलेंगे 36 संदीप रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ आफ लाइफ आफ्टर मूविंग टू पुणे मतलब जब पुणे पहुंच गया तो उसको नई लीज ऑफ लाइफ मिली नहीं 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 आई हैव चेक्ड इट ठीक है चलो

शुरुआत करना खूब ज्यादा एनर्जी अपने अंदर डाल लेना तो ये देखो ये अलग अलग ऑप्शन एक्चुअली इस तरीके से आ जाते हैं तो हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ये हो और वो भी जो आप बोल रहे हैं हो सकता है इस तरीके से काम हो राइट right? तो ये इसका राइट आंसर होगा बिकेम एनर्जेटिक अगेन फिर से नए शरीर से शुरुआत करना ये भी होता है वैसे लुकिंग फॉर अडल इन अस्टेक हेस्टेक क्या होता है चारे का जो स्टेक होता है ना चारा जो है एक साथ रखा हुआ है पोटली बना के ऐसे गांव में हम लोग ट्रेन वगैरह में से देखते हैं ऐसे करके हे स्टेक बना दिया जाता है पूरा चारे का इस तरीके से है ना इस तरीके से खूब सारा घास 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 और वो मतलब एक्चुअली वो तो फसल होता है क्रॉप्स होती है और हम लोग को समझ में नहीं आता इस तरीके से ढेरी बनी हुई है अगर आपने जाके इसमें एक नीडल डाल दिया तो कैन यू सर्च इट नो

क्विकली उसने जंप किया क्विकली क्विकली जंप किया उसने और उसने क्या कर दिया अपने प्लान्स को अनाउंस कर मतलब बहुत जल्दी में राइट तो एक्टेड हिस्टीली बहुत अजीब तरीके से उसने बिहेव करा और फिर अपने प्लान्स को अनाउंस कर दिया राइट अच्छा आप सब जो देख रहे हैं सेशन को हैव यू Liked द सेशन डिड यू लाइक अगर नहीं किया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर आप लोगों के पास टाइम है थोड़ा सा इसको अगर आप अपने पर्सनल टच के साथ शेयर करेंगे लाइक आप ये बोलेंगे कि यस इट वाज अ वैल्यूएबल सेशन वी एंड वी लर्न या कुछ भी ऐसा करके या आप भी इसे सीख सकते हैं या आपके एग्जाम के लिए या हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सी से पहले इसको पढ़ लो मेन से पहले इसको पढ़ के ये इतना सा लिख के आप अपने फ्रेंड्स को अगर शेयर कर देंगे तो इट विल रियली बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर देम ऑल्सो फॉर दस ऑल्सो तो अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए प्लीज़ सा और फिर से कंटिन्यू करिए आइए क्योंकि लाइव चल रहा है लोग देख भी सकते हैं आइए नेक्स्ट पे चलते हैं 39 पे रब द रोंग वे सॉरी रब द रोंग वे मतलब सोचो किसी की चोट लग गई है उसने कहा प्लीज हेल्प मी रबिंग इट है ना आपने उसको रब कर दिया और आपने उसको इतना तेज रब कर दिया कि इट वेंट रॉन्ग और वो आपसे हैप्पी होने के बजाय क्या हो गया अनॉय हो गया गुस्सा हो गया ठीक है गुस्सा हो गया तो गुस्सा हो गया इसका मतलब क्या हो गया अनॉय समवन किसी को अनॉय कर देना अपसेट कर देना इरिटेट कर देना और उसको एजिटेट कर देना इन्फ्यूरिएटेड कर देना ओके दिस इज राइट अगले वाले पे चलेंगे थर्टी नाइन के साथ फोर्टी पे नॉट मींस योर वर्ड्स अपने वर्ड्स को मींस नहीं करना ठीक है बेटा जिसने कर दिया है कोई बात नहीं जिसने नहीं करा है इफ यू फील लाइक यू कैन प्लीज शेयर इट राइट नाउ एक आध मिस होगा पर आप बहुत बड़ी हेल्प कर पाओगे हम हमारे लिए राइट इफ यू कैन डू इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प आइए आगे बढ़ते हैं नॉट मींस मींस का मतलब होता है मिक्स ठीक है मीन्स का मीनिंग क्या होता है मीन्स का मीनिंग होता है मिक्स तो नॉट मिक्स योर वर्ड्स इफ़ यू आर नॉट मिक्सिंग योर वर्ड्स वॉट यू आर डूइंग यू आर स्पीकिंग क्लियरली बहुत आसान से भाषा में आप अगर बोल रहे हो तो प्रीवियस ईयर में है प्रीवियस ईयर में हैं ये सारे बट हम लोग बहुत सारा पढ़ते हैं ना तो नया लग जाता है इट आर लॉट क्लमजिली नॉट टू हैव क्लैरिटी अपोजिट हो गया सेम वर्ड्स जेट आर कन्फ्यूजिंग अपोजिट हो गया स्टेट योर ओपिनियन योर आइडिया योर विचार योर बातें क्लियरली अपनी बातों को बहुत क्लियर तरीके से रखना इज नॉट मिक्सिंग योर वर्ड्स 40 हो गए हैं नेक्स्ट पे चल रहे हैं 41 पे देखो अब ये ईटा हम्बल बाय इसका जो मीनिंग यहां पे है ना वो इसका मीनिंग जनरली हमें नहीं मिलता है ढूंढेंगे आप इसको तो समझ में आ जाएगा देखिए गाइस ईटा हम्बल पाए क्या कहते हैं जब दो पर्सन लड़ रहे हैं या दो पर्सन जब कोई बहस कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं प्लीज ईटा हम्बल पाए प्लीज काम डाउन प्लीज शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए ये कहते हैं मतलब बहस मत करो शांति से निर्णय लो है ना ये कहते हैं अब यहाँ पे कहा है वो यहाँ पे है एडमिट दैट यू आर रॉन्ग यही लिखा हुआ है और यही है ठीक है तुम अपनी गलती मान लो शांति हो जाएगी लड़ाई दो ये इस अंडरस्टैंडिंग है पॉइंट अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो इसका ये भी आपको होगा क्लियर राइट right? ये इसका राइट right आंसर है फोर्टी वन टू अब चलते हैं फोर्टी टू पे फोर्टी टू ये टू फॉल ऑन डेफ ईयर्स डेफ ईयर आपने खोल दिया है तो इसका मतलब क्या है आपको नहीं आपको To be paid attention मतलब फॉल ऑन डेफ ईयर्स मतलब क्या होता है वैसे तो होता है आ, है कि आपने पे कर दिया हो लेकिन यहाँ पे बोलो जा रहा है फॉल ऑन डेफ इसका मतलब क्या हो गया टू बी लिसन केयरफुली नहीं टू बी इग्नोर यस एग्जैक्टली आपको नहीं सुना जा रहा है आपके तरफ क्या रख दिया गया है डेफ ईयर्स रख दिए गए हैं मतलब यू आर नॉट बींग पेड एनी अटेंशन आपको अटेंशन नहीं दिया जा रहा है टोटल सेवेंटी टू है पहले ही बता चुकी हूँ शुरुआत में राइट right? तो ये होगा इसका राइट आंसर फोर्टी टू हो चुके हैं थर्टी क्वेश्चन और बचे यानी पंद्रह एग्जाम और बचे नेक्स्ट लेट ऑफ द हुक लेट ऑफ ऑफ का मतलब क्या होना है अलग होना राइट right? अलग होना हुक हुक से अलग होना आपके ऊपर लगा हुआ है यानी कि आपके ऊपर एक दाग लगा हुआ है एक स्पॉट लगा हुआ है और अगर स्पॉट से हुक से दाग से ब्लेम से अगर आप हट रहे हैं तो यू आर गेटिंग फ्री अलाउड टू एस्केप फ्रॉम ब्लेम ये इसका राइट right आंसर होगा चलिए अगले वाले में चलेंगे 43. पार्थियन शौर्ट, पार्थियन शॉट शॉट देखो एक तो फेमस है एम एस धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट और दूसरा यहां पे लिखा हुआ है पार्थियन शॉट इसको ऐसे समझो गाइस पार्थियन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है पार्थियन का एग्जैक्ट मतलब होता है पार्टिंग 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 क्या होता है बिछड़ना अलग होना सेपरेट होना बिछड़ना यानी कि अभी जा रहे हैं अलविदा कहने का जो टाइम होता है ना उसको वो कहते हैं बिछड़ना पार्टिंग ठीक है पार्टिंग शॉट पार्टिंग शॉट मतलब जाते जाते भी एक हिट आपने मार ही देना है ठीक है लास्ट बॉल पे भी आपने क्या करा सिक्स ही मारा है तो दैट इज कॉल्ड पार्टिंग शॉट यानी कई लोगों की आदत होती है कमेंट करने वाली तो वो लोग क्या होते हैं एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं एकदम लास्ट लाइन पे भी उन्हें कुछ बोलना है तो दे विल डेफिनेटली स्पीक दैट इज कॉल्ड पार्टिंग शॉट दैट इज कॉल्ड पार्टिंग हिट लास्ट लाइन पे चौका लगा देना लास्ट बॉल पे चौका या छक्का लगा देना दैट इज कॉल्ड पार्टिंग शॉट ठीक है फोर इसका राइट आंसर होगा ये नया हो सकता है नोट कर लीजिएगा फोर्टी फोर वंस इन अ ब्लू मून बहुत बार रिपीटेड है ब्लू मून का मतलब क्या होता है हिंदी में इसको ईद का चांद बोला जाता है ईद का चांद मतलब हर बार नहीं हो रहा है रोज रोज थोड़ी आ जाएगा ईद का चांद है तो हमेशा अपने टाइम पर ही आएगा रेयरली बहुत कम ना के बराबर हैपनिंग ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं रेयरली बहुत कम ना के बराबर कोई चीज हो रही है उसको बोलते हैं हैपनिंग रेयरली वंस इन अ ब्लू मून ठीक है बहुत नया, बहुत नया नहीं है बहुत बार सुना हुआ है टू लीव इन लर्च अगेन रिपीटेड किसी को लर्च में छोड़ देना मतलब सामने वाले के पास मुसीबत आई नहीं छोड़ के चल दो दिस इज कॉल्ड सी एच एस एल वाले फॉर्म में कब तक का डेट डाले कब तक का डेट डाले मतलब थ्री मंथ्स वाला हो गया है ना अब सिस्टम तो जैसे देखो टेन नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए फिफ्टीन दिसंबर तक रहेंगे तो आप अक्टूबर का डेट डालिए ना अक्टूबर का फंसना ही क्यों है अक्टूबर का डालिए डेट अभी का डालो सही रहेगा हाँ किसी को डिफिकल्टी में छोड़ देना to put someone at ease नहीं to come to compromise नहीं constant source of annoyance नहीं to desert लीव कर देना किसी को उसके प्रॉब्लम्स में समस्याओं में जैसे दोस्त होते हैं ना कौन से दोस्त झूठे मक्कार जो लोग केवल सेल्फिश फ्रेंड्स होते हैं राइट वो लोग ऐसे करते हैं तो राइट आंसर 1 होगा इसका और नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट कोई चीज अपने चेस्ट से अलग कर देना इस चेस्ट का मतलब यहाँ पे चेस्ट नहीं है इस चेस्ट का मतलब यहाँ पे हार्ट है अब समझना आराम से अपने हार्ट पे से कोई चीज को आपने ऑफ कर दिया अलग कर दिया सेपरेट कर दिया मतलब कोई चीज जो थी ना कोई चीज़ जो थी जो आपके अंदर काफ़ी भारी पड़ रही थी मतलब कोई ऐसी बात जो आपको लग रहा था आई हैव टू शेयर इट किसी को तो मुझे बताना है तो आपने क्या कर दिया उसको जाके शेयर कर दिया किसी से ठीक है रिमूव समथिंग फ्रॉम यू एज इट इज़ ट्रबलिंग यू नहीं टेल पीपल सम गुड न्यूज़ नहीं हैव डिफिकल्टी नहीं एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू वो बात बताने लग जाना जो आपको इतने समय से क्या कर रहा था परेशान कर रहा था इरिटेट कर रहा था ट्रबल कर रहा था उस बात को किसी से जाके शेयर कर देना बेटा जिसको भी गलत हुआ मुझे लगता है टाइम है आप अभी चेक कर चेक कर सकते हो क्योंकि अभी आ, आराम से आप लोग कर सकते हो अभी टाइम है दिसंबर तक लास्ट डेट है ऐसा मत करना कि कहीं प्रॉब्लम हो जाए आप लोगों को क्योंकि कुछ लोगों को अभी पहले भी प्रॉब्लम हो चुकी है इसके कुछ वेज हैं वो आप फॉलो करो हो जाएगा सही ठीक है चलिए अगले वाले में चलते हैं फोर्टी हो गया फोर्टी पे प्लेन एज डे इसको ऐसे लिखते हैं एज प्लेन एज डे उतना प्लेन जैसे कि दिन दिन का क्या है निकले गए चाहे कितनी भी चाहे कितनी भी डिफिकल्ट डे हो खत्म होता है कि नहीं होता है चाहे कितना भी प्लेजेंट डे हो खत्म होता है कि नहीं हो चाहे कितनी भी सुहावनी रात हो आपके साथ वो खत्म होना निश्चित है तो एज प्लेन एज डे का मतलब एज सिंपल एज डे उतना सिंपल जितना की डे जिसका पता है कि आएगा ऑब्वियस है चाहे अर्थ को जाए दिन बदलेगा कि नहीं बदलेगा बताओ तो वेरी ऑब्वियस क्या बोलते हैं इसको ऑब्वियस बोलते हैं वेरी ऑब्वियस तो राइट right आंसर क्या होगा नहीं भरता है फॉर्म बस फोटो में डेट डलती है कि फोटो आपकी पुरानी नहीं होनी चाहिए ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ना किसी और की जगह पे जाके एग्जाम दे देते क्योंकि पुराना फोटो हो सकता है मैचिंग हो जाए थोड़ा बहुत तो इस चीज को बचाने के लिए रीसेंट वाला फोटो ही लेके जाना होता है तो आप एकदम रिसेंट वाला फोटो खिंचवाएं और रिसेंट वाला फोटो वहां पर लगा दें डॉली पूछ रहे हैं बेटा इसकी सी के फॉर्म भरने की डेट ठीक है ये है इसका राइट आंसर वन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे ये क्या है कॉल होगा ये कॉल अस्पेड स्पेड है ना ठीक है कॉल अस्पेड अस्पेड है ये जो कि यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। कॉल अस्पेड अस्पेड क्या होता है सीधी बात नो वर्कवास से द ट्रूथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट चाहे बात कितनी भी खराब हो सामने वाले को बुरा लगे भला लगे पर आपको अच्छा बनने के चक्कर में फेक नहीं बनना है रियल बनना है ट्रूथ बोलना है तो दिस इज द राइट आंसर नेक्स्टी बी बिहाइंड टाइम्स टाइम के पीछे चले जाना इसका मतलब क्या हो जाएगा ओल्ड फैशन बन जाना क्या बन जाना ओल्ड फैशन बन जाना बी बिहाइंड टाइम्स ओल्ड फैशन बन जाना नेक्स्ट लुक बिफोर यू लीव इसका मतलब क्या है लुक बिफोर यू लीव का मतलब क्या होता है बताओ 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 कुछ करने से पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से सोच लेना डिसाइड कर लेना इसको बोलते हैं इसीलिए मैंने बोला अक्टूबर इज द बेस्ट ना वो बहुत पुराना होगा ना वो बहुत नया होगा ना वो आपके डेट में अर्चेंट डालेगा क्योंकि डेट टेन दिसंबर से इसलिए आप अक्टूबर का डेट डालें राज मैंने आपकी बात सुन ली हम लोग बस दिवाली के ब्रेक एक बार खत्म हो जाए तब हम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तब हम लोग करवा देंगे ठीक है चलो लुक बिफोर यू leap का मतलब क्या होगा Caution अदर्स नहीं प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर जम्पिंग नहीं थिंक केयरफुली ऑफ द मतलब कुछ भी करने से पहले परिणाम सोच लो कि भाई इसका ये रिजल्ट भी हो सकता है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी तो सब कुछ सोचने के बाद करना राइट होता है तो ये होगा Caution अदर्स बिफोर टेकिंग अ स्टेप नहीं थिंक केयरफुली ऑफ द consequences चीजों के बारे में अच्छे से सोच लेना

चले जाना कहीं से अलग हो जाना तो जैसे ही देखा आप जो बात कर रहे थे उससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है या वो हॉट पोटैटो हो सकता है या उस पर लोग लड़ सकते हैं तो आपने क्या करा तुरंत से अपना सब्जेक्ट जो है वो क्या कर दिया बदल दिया चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली तुरंत से अपने मुद्दे को बदल देना कुछ नहीं होगा यार जब नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है बेटा का फॉर्म भरा था अभी नवंबर लास्ट डेट थी हो गया वहां पे कुछ हुआ क्या वाई टू फाइट ऑन दिस ये कोई बहुत बड़ा मैटर है जिस पे लड़ना चाहिए आई डोंट थिंक सो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ने के लिए हर समय तैयार रहो इसमें एक छोटा सा चेंज है आप लोग कर सकते हो आई थिंक इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए इंपॉर्टेंस दो पढ़ने को अगला वाला क्वेश्चन फिफ्टी फोर इट Chill out, cool ये, नहीं, नहीं, है। ये एकदम आजकल के बच्चों वाली भाषाओं को इसमें डाल दिया गया देखो डीओबी का नहीं आया है मुझे नहीं लगता टू वेट टू एंग्री टू नर्वस देखो सेम ऑप्शन है नहीं सॉरी रिलैक्स होना ये इसका होगा कूल एट रिलैक्स होना ठीक है अगला वाला लुक आफ्टर जल्दी से बताइए इसका आंसर जब तक तो मैं चार्ज देख लेती हूँ जल्दी से बताओ ये लुक आफ्टर करना क्या होता है जितने लोग देख रहे हैं वो बताएं इसका आंसर व्हाट इज लुक आफ्टर मुझे आता ही नहीं है और ये एग्जाम में आ गया इतना टफ हम कैसे करेंगे इसको ऐसा सोच रहे हैं क्या कोई लोग किसके एग्जाम में आए भाई 20 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर का किसी में से आप में से किसी का एग्जाम हुआ था क्या देख के इंडियम हंसी नहीं आई ये क्या दे दिया है कौन बोल रहा है डिजाम्बल्स नहीं टेक आफ्टर होता है टेक आफ्टर टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना एक जैसा दिखना पेरेंट्स जो है बच्चे जो है वो टेक टेक आफ्टर करते हैं डीओपी डीओपी इज डेट ऑफ फोटोग्राफ है ना पर डीओबी लगा था मुझे शायद तो मैंने कहा डीओबी नहीं है रिजेंबल तो टेक आफ्टर होता है इसको भी गलत बता रहे हो यार मुझे लगा सब सही बताएंगे लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर लुक आफ्टर माई हाउस प्लीज लुक आफ्टर माई चाइल्ड ऐसे क्वेश्चन नहीं होते एग्जाम में Philips, में आते हैं कितने बार आते हैं टेक केयर किसी चीज की देखभाल करना वो वो वाला क्वेश्चन नहीं आता है नहीं, ये क्या हो गया? की क्लास चलेगी पोस्ट दिवाली बता चुकी हूं मैं बहुत बार चलो मेक आ बी लाइन मेक आ बी लाइन का मतलब क्या होगा बी देखा है कभी जैसे जो बर्ड्स के लिए आता है मेक क्रो स्ट्रोक शायद ऐसे करके भी कुछ है या क्रो की स्पीड में चलना तो क्रो की स्पीड में चलना या फिर क्रो की जैसे जाना इसका मतलब क्या होता है क्रो की जैसे चले जाना या बी लाइन में चले जाना एकदम स्ट्रेट क्योंकि इनको ट्रैफिक नहीं मिलता है इसलिए ये बिल्कुल वहीं पहुंचते हैं जहां पहुंचना होता है स्पीडी क्विकली पहुंच जाते हैं तो सीधे वहीं पहुंचना गो स्ट्रेट टू समवेयर मेक अ बी लाइन नेक्स्ट अब आशुतोष के बारे में बात लेते हैं आशुतोष कैप्ट स्टिफ अपर लिप इवन वेन ही वॉज रेपरी वॉट इज रेपरी जल्दी से बताइए ये वर्ड तो कहीं पीछा नहीं छोड़ता है इडियम एन फ्रेजेस तक में, में पहुंच गया है रेप्रीमेंट के सिनोनिम्स बताइएगा आशुतोष कैप्ट अ स्टिफ अपर लिप आशुतोष ने क्या करा अपर लिप अपर लिप को स्टिफ रखा इसका मतलब क्या हुआ इवन वेन यहाँ तक कि जब उसको रेप्रीमेंट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट्स रेप्रीमेंट मतलब क्या होता है अप्रिशिएट करना तारीफ करना जब क्लाइंट्स की प्रेजेंस में उसको तारीफ किया गया तब भी ये होगा क्या या मीनिंग आप लोग बता रहे हैं रेप्रीमेंट का yes, exactly. किसने बता दिया राज ने चलो तारीफ हटा देते हैं रेप्रीमेंट का मतलब होता है स्कोल्ड करना रिब्यूक करना डांटना ठीक है या इंसल्ट करना या ह्यूमिलिएट करना तो इवन जब उसको क्लाइंट के सामने डांटा गया तब भी तब भी उसने क्या करा कोई रिएक्शन नहीं दिया उसने अपना अपर लिप स्टिफी रखा था मतलब ना मुस्कुराया ना हिला ना रोया ना उसने कोई एक्सप्रेशन दिया नो ही रिमेन्ड एक्स लेस बहुत सारे नए हैं मैंने बताया था कि कुछ नए हैं तो कुछ नए हैं यहां पर उनको आप नोट करें मुझे लगता है ये वाला भी नया है तो नंबर फिफ्टी सेवन शुड आइए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं दैट इज हैव यू हर्ड क्या तुमने सुना द न्यूज कौन सा न्यूज दैट हेमा इज लुकिंग फॉर ग्रीनर पेस्टर्स कि हेमा जो है वो ग्रीनर पेस्टर्स ढूंढ रही है पेस्टर्स क्या होते हैं पेस्टर्स होते हैं ग्रीन फील्ड है, है ना जहाँ पे चारा चरने के लिए गायें जाती है क्योंकि खूब अच्छा ग्रीनरी है वहां पर पेस्टर्स में तो वहां जाया जाता है तो ग्रीनर जो और ज्यादा और ज्यादा ग्रीन पेस्टर्स को वो ढूंढ रही है देखो नया है ये वाला भी तो इसका मतलब क्या होगा फीलिंग रिजेक्टेड फीलिंग फायर्ड एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली हेमा क्या करेगा तुम्हें पता हेमा नई अपॉर्चुनिटी तलाश कर रही है तो राइट आंसर सी होगा न्यू अपॉर्चुनिटीज ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं नाइन पे टू कास्ट सॉरी टू कॉस्ट एंड एंड लेग ये तो बहुत बार करा हुआ रिपीटेड है कॉस्ट एंड आर्म का मतलब क्या होता है कोई ऐसी चीज जो कैसी है बहुत 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 ज्यादा एक्सपेंसिव जिसको अगर आपने खरीद लिया तो आपको अपना आर्म और लेग देना पड़ेगा मतलब बहुत ज्यादा महंगा वो है आपके लिए ठीक है नेक्स्ट पे चलेंगे सिक्सटी फ्लाइंग ऑफ द हैंडल हैंडल से अलग होके फ्लाई करना इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया डे ड्रीमिंग सपने देखना हैविंग लॉफ्टी आइडियाज सडनली बिकेम ड्रीमिसमरेज या फ्लाइंग अवे बीइंग लॉन्च फ्रॉम अ हैंडल ये होगा मेरे ख्याल से तो फ्लाइंग अवे दूर फ्लाई करना बीइंग लॉन्च फ्रॉम अ एक हैंडल से लॉन्च हो जाना ठीक है नहीं ये नहीं होगा एग्जैक्टली exactly, मजाक कर रही थी मैं राइट आंसर इसका होगा सडनली बिकेम एनरेज अचानक से गुस्सा आ गया हैंडल से अलग होके एकदम क्या हो गया लीक से हट गए और अचानक से किसी को गुस्सा आ गया ठीक है ये होता है पीडीएफ में आंसर दे दूंगी अगर किसी ने मुझे बता दिया आंसर्स तो एक साथ ठीक है स्लीप ऑन इट स्पेस सो जाओ मतलब क्या है किसी चीज पे अगर आप सो गए तो मतलब वो आपके दिमाग में चल रहा है राइट right? दिमाग में हमारे कौन से ख्याल आते हैं वाई सपने सपने क्यों आते हैं व्हाई यू सी ड्रीम्स क्यों देखते हैं हम जो हमारे दिन भर की एक्टिविटी गतिविधियां हमारे दिमाग की चीजें होती वही हमारे दिमाग में आती है इफ यू आर स्लीपिंग ऑन इट मतलब 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 यस दिस सो जाओ अभी कुछ नहीं होने वाला टू वेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन डिसीजन के पहले डिसीजन लेने से पहले वेट करो आराम से सोचो करो उसके बाद ठीक है ये नहीं होगा ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा राइट आंसर टू वेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन डिसीजन लेने से पहले काफी इंतजार मतलब काफी अच्छा टाइम दो उसको ताकि आपका डिसीजन जो है वो वेल वेल थॉट हो और उसमें आपने बड़ा टाइम दिया हो इस तरीके से ओके okay? चलिए सिक्सटी वन यहाँ पे खत्म हो गया लास्ट टेन या इलेवन क्वेश्चन बचे एग्जैक्टली टेन कीप योर शर्ट ऑन शर्ट ऑन कर लिया मतलब क्या हो गया आपने क्या करा है अगर आपने शर्ट ऑन कर लिया इसका मतलब क्या होता है टू कीप बिजी टू वर्क हार्ड टू रिमेन कूल टू सेलिब्रेट इसका मतलब क्या हुआ यू आर इफ यू आर सेलिब्रेटिंग और यू आर कूल तो कूल cool लुक के लिए होता है टू रिमेन कूल पुट योर शर्ट ऑन सॉरी कीप योर शर्ट ऑन टू रिमेन कूल अगले वाले में चलेंगे 63 टेक समथिंग विद अ ऑफ ये भी रिपीटेड है बहुत बार आता है गैस कैसे बचे दीपक किस बारे में पूछ रहे हैं जरा थोड़ा सा बताइए क्योंकि शायद मुझे लगता है मेरे से मिस हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है किसी को उतना ही लेना जितना कि सॉल्ट एक पिंच ऑफ सॉल्ट लिया जाता है मतलब किसी की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करना बहुत ना के बराबर यकीन करना टू टेक लॉन्ग टू अंडरस्टैंड नहीं टू 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 थिंक ऑफ वन सेल्फ एज ऑलवेज राइट नो बिलीव ओनली पार्ट ऑफ समथिंग देखो अब यहाँ पे अलग तरीके से लिख दिया गया है सही है कुछ हिस्सा ही विश्वास करना मतलब किसी को बहुत किसी पर बहुत कम विश्वास करना वेरी संजय आर यू लिसनिंग टू मी प्लीज मैंने आपको बोला आंसर दे दीजिएगा तो हम लोग इसको एड कर देंगे इफ यू यू डू सो इट विल विल बी बी आई रियली थैंकफुल टू क्योंकि आप लिख रहे हैं तो प्लीज कर दीजिएगा ऐसा ठीक है टेक समथिंग विद अ ऑफ सॉल्ट का मतलब किसी पे उतना ही भरोसा करना जितना एक पिंच ऑफ सॉल्ट होता है यानी थोड़ा सा ही भरोसा करना ना के बराबर राइट right? चलिए 63 थ्री इज डन सिक्सटी फोर एंड द काउंट डाउन नंबर एट पे है न सेवन देन सिक्स देन ऐसे हो जाएगा नाइट में सपना बहुत आता है uh, देखो मैं तो क्योंकि आई वेयर स्पेक्टिकल्स ऑल द टाइम तो आई डू वेरी सिंपल थिंक कीप योर स्पेक्टिकल्स अवे एंड द ड्रीम्स विल बी अवे क्योंकि विदाउट स्पेक्ट्स आई एम नॉट एबल टू सी इफ यू फॉलो दिस यू कैन फॉलो यू कैन बी अवे फ्रॉम योर ड्रीम्स राइट ऐसे वाले सपने नहीं देखने हैं तो बस स्पेक्टिकल साइड में रखा करो या फिर आप आंखें बंद करके सोया करो क्योंकि मैं बिना चश्मे के वही होता है आंखें बंद राइट right? ये फॉलो करो अच्छा होगा चलो आगे चलते हैं फुल ऑन सॉरी फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी देखिएगा फुल ऑफ साउंड मतलब खूब आवाजें आ रही खूब नॉइज आ रहा खूब शोर हो रहा है राइट right? लेकिन फुल ऑफ साउंड के साथ साथ क्या है फ्यूरी फ्यूरी क्या होता है एंगर फ्यूरी क्या होता है एंगर होता है यानी कि साउंड से भरा हुआ है लेकिन एंगर भी है उसमें इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया मेयरली uh, सिर्फ लाउड सिर्फ लाउड और एंग्री वर्ड्स बट इन इफेक्टिव पर मेक नो डिफरेंस पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ठीक है इंपैक्टफुल नहीं है अट्रैक्टिव नहीं खूब लाउड साउंड में आप चिल्ला रहे हो लेकिन दैट इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव ठीक है इसको बोलते हैं लाउड एंड एंग्री बट नॉट इफेक्टिव ओके नाउ बताइएगा काउंट डाउन बिगिन करने बोला था एट जेटिक इफ यू आर नॉट इन पिंक यू आर अंडर द वेदर मीन यू आर नॉट यू आर इन लो स्प्रिट लो स्प्रिट्स में होना नॉट वेल्थ यह सब एडियम है लो स्प्रिट में होना अंडर द वेदर होना इन नॉट इन पिंक होना इन सबका मतलब क्या होता है फीलिंग अनवेल ये इसका राइट right आंसर होगा राजेश नेगेटिविटी हटाओ तुम्हारे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है तुम मानो या ना मानो ये बिल्कुल सच है ये लाइन पढ़िएगा ये लाइन पढ़िए बहुत मजा आएगा इसको समझिएगा भी द स्ट्रॉ यू नो स्ट्रॉ क्या होता है स्ट्रॉ होता है जब आप अपने किसी खास के साथ जूस पीने जाते हो और जूस में एक स्ट्रॉ डाल देते हो तो इज़ स्ट्रॉ अब आगे क्या पूछ रहा है स्ट्रॉ ब्रोक द कैमल्स बैक आप बैठे कैमल पे कुछ नहीं हुआ इतने सारे लोग बैठे कैमल पे कुछ नहीं हुआ लेकिन एक स्ट्रॉ आया और उसके वजह से कैमल का बैक क्या हुआ ब्रोकन हो गया टूट गया इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ एक स्ट्रॉ ने एक स्ट्रॉ ने क्या कर दिया कैमल की तोड़ दी जिसमें कोई पावर नहीं था मतलब बहुत ही ज़्यादा सा ट्राइवियल सा ठीक है है था ये है ना पर फिर भी इसने कैमल की बैक तोड़ दी यानी कि कुछ ऐसा टू अंडरटेक डिफिकल्ट जर्री नहीं जनरी बोल दिया मैंने टू मेक विश टू बी द लास्ट इन सीरीज ऑफ इवेंट्स ये देखो मतलब आपने बहुत बड़े 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 तूफान तो पार कर लिए लेकिन आप बड़े बड़े तूफान पार करते हुए भी इतना ज्यादा थक गए इतना ज्यादा परेशान हो गए कि लास्ट वाली जो एकदम सिंपल सी स्ट्रॉम थी ना वो भी आपसे पार नहीं हो पाई ये होगा इसका टू बी लास्ट इन सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग वन टू फील दैट इट इज नॉट इट इज इनटॉलरेबल लास्ट वाले को आप नहीं सहन कर पाए स्ट्रॉ यानी पुआल वट इज पुआल आई डोंट नो दिस दिस वर्ड वी हैव नॉट हर्ड आप थोड़ा सा और हिंदी बताइए तो मैं बता पाऊंगी ये वर्ड नहीं सुना है मैंने स्ट्रॉ तो वही होता है पुआल किसको बोलते हैं आप ये बताइए हो सकता है आपका नेटिव लैंग्वेज में बोलते होंगे आप यहाँ का लैंग्वेज में नहीं है चलिए तो ये इसका राइट right आंसर होगा ऐसा ही एक और आया है आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे लास्ट स्ट्रॉ देखो एग्जैक्टली exactly वही लास्ट स्ट्रॉ एंड फ्लैड शी डिक्लेयर दैट इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ उसने ड्रेस डिस्क्राइब किया कि ये लास्ट स्ट्रो है द सिचुएशन हैड बीन बिकम अनबिलेबल देखो लास्ट स्ट्रो क्या होता है बहुत आसान बहुत आसान आसान सिचुएशन लेकिन वो सीरीज में इतने लास्ट में आई ना कि उसको वो बहुत आसान होते हुए भी टॉलरेट नहीं की गई समझे तो ये वाला 67 और 66 दोनों सेम मीनिंग होते हैं पर अलग अलग दिया गया लास्ट स्ट्रो से ध्यान रखना है इसको राइट चलिए आइए नेक्स्ट में चलते हैं सिक्सटी सेवन अब बचते हैं फाइव ओनली है ना तो फिफ्थ नंबर देन 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 मतलब होता है ओके टेस्टेड ओके टेस्टे का मार्क लगा होता है ना एप्पल्स पे तो ज्यादा अच्छे रेट में बिक जाते हैं तो एप्पल्स लगे हुए हैं खूब सारे और आप आते हैं और आपने उसकी जो एप्पल कार्ट थी उसको आपने क्या यहाँ पे सब ओके टेस्टेड नजर आ रहा है अच्छे से इस तरीके से ये ओके टेस्टेड करे हुए हैं ठीक है ठीके? बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत से नजर आ रहे हैं और आपने क्या करा आके उसका एप्पल कार्ड उल्टा दिया या फिर थोड़ा सा धक्का मार दिया तो सारे एप्पल कार्ड क्या हो गए गड़बड़ गर, हो गए स्पॉइलिंग द एप्पल्स इन कार्ड क्या इस पे आप आ, आ, आंसर करोगे क्या इस पे इस पे करोगे क्या आंसर या फिर डूंग समेल प्लान या फिर या मुझे तो फर्स्ट और फोर लग रहा है इसका सही आंसर, पर आप बता दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखो मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर थ्री होगा कुछ ऐसा करना कि किसी के प्लान किसी के आइडियाज वो क्या हो जाए बिगड़ जाए राइट right आंसर होगा इसका ठीक है राइट आंसर थर्ड अब चलते हैं नेक्स्ट पे सिक्सटी एट हो गए सिक्सटी यानी कि लास्ट फोर्थ लास्ट कम हेल और हाई वाटर कम वॉट में है ना वो जो आपने इडियम्स किसी ने स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर है ये कम हेल और हाई वाटर इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स कोई भी ऑब्स्टेकल कोई भी बाधा कोई भी डिफिकल्टी कोई भी परेशानी कोई भी समस्या कोई भी कंफ्यूजन आ जाए हम नहीं रुकने वाले जब तक कट ऑफ जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं वो वाला हिसाब है जब तक कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाए तब तक आप रेस्ट नहीं करेंगे उसको ही कहते हैं कम हेल और वॉटर ओके चलिए नेक्स्ट लास्ट थर्ड लास्ट है ठीक है आउट ऑफ बाउंड ये थोड़ा सा अलग है सेवेंटी, इसको आप जरूर से नोट करिएगा एक ऐसी चीज जो पहुंच से बाहर है जो आ, जहां पे पहुंचना जो आपके लिमिट से बाहर है जहां पे पहुंचना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है उसे क्या कहते हैं बातें करवा लो बस आप लोगों के इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपने कि आप मतलब क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो और सपने देखना अच्छी बात होती है अच्छे आए बुरे आए एटलीस्ट आप नींद में भी एंजॉय कर रहे हो टेक इट पॉजिटिवली ठीक है और जब उठो तब भूल जाओ ठीक है सपना सपना होता है कभी वो वाला सच नहीं होता जो सोते आंखों से देखा जाता है ओके सो वेस्ट मत करो टाइम को हाँ अब नेक्स्ट क्लास अभी नहीं नेक्स्ट क्लास आएगी पर अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि एक बहुत अच्छा क्लास हम लोग प्लान कर रहे हैं लेकिन हाँ आजकल में एक सेशन तो वो आएगा मेंस जो है आप लोगों का उसके लिए आपको क्वेश्चन सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है वो बताने वाली हूं मैं उसके अलावा वो वाला इडियम एंड फ्रेजेस आएंगे आपके वो, सारे के सारे सीपीओ वाले वो करवाने वाली हूँ मैं तो बहुत अच्छा लगेगा ठीक है चलो आउट ऑफ बाउंड होना यानी कि क्या होता है जो आपके अप्रोच से बाहर हो जहां जहां ना आपके लिए मना हो दैट इज फॉरवर्ड

चलिए माही तो शुरुआत आपसे क्यों ना करें हैप्पी दिवाली कर देते हैं हम यहीं पे ही पटाखे चला के एक एक को एक साथ ब्लॉक कर करके बोलो क्या बोलते हो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल इन एडवांस हालांकि अभी हम मिलने वाले हैं और भी राइट सी एच एस एल एरर डिटेक्शन सीजुअल मेन से पहले देखो मेन्स आपका पंद्रह को है दिवाली 14 को है और थर्टीन ले है और ट्वेल्व आज है अब आप मुझे बताओ कैसे ये सेशन आ पाएगा हालांकि कोशिश हम लोग करेंगे धनतेरस भी शायद कल ही है ठीक है आज नहीं है तो अभी मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो पाता है उतना मैं करा दू सेकेंड लास्ट हमारा हैप्पीली खत्म हो गया है अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू सो मच एंड विश यू द सेम मे गॉड इज लक्ष्मी शावर्स ऑल द ब्लेसिंग टू यू ऑल सब कुछ आपके सामने आए आपके लाइफ में आए बहुत अच्छा बहुत अच्छा आप लोग लाइफ मिले बहुत प्रॉस्परस आप ल, आप लोगों की लाइफ हो पर सबसे पहले जो आप लोगों का ड्रीम है उसको गॉड आपको इतनी ताकत दे कि आप अपने ड्रीम को बहुत अच्छे से चेस कर पाए उसको पा उसको पालें तो सारा सब कुछ आपका हो जाएगा है ना तो सभी को शुभकामनाएं चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हमारे यहां तो कल है डॉली इन जयपुर इट इज इन राजस्थान आई गेस इन दबले अच्छा पटाखों का कैसी है राजस्थान में तो कंप्लीटली बैन है पूरा बैन है एक सिंगल शॉप भी हमें नहीं मिली है जहां पे से हम पटाखे ला पाए तो आप लोगों का क्या चल रहा है आप लोग चला पा रहे हैं पटाखे आप लोग चला पाएंगे क्या इंस्टेंट मुझे ये पूछना चाहिए क्योंकि यहां पे तो एक भी पटाखे नहीं चला सकते किसी भी तरीके से बैन लग गया यहां पे विश यू ऑल विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली धनतेरस तो हमारे यहाँ पे कल है पर आप सबको काफ़ी शुभकामनाएं अगर आप आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बताओ अरे यार यहाँ पे भिजवा दो आप लोग वी आर रियली वेरी एक्साइटेड वर फॉर दिस और अभी मना है इवन शादियों में भी मना हो गया है और शायद न्यू ईयर पे भी मना हो गया है यहाँ पे तो यहाँ पे तो है ही नहीं तो आप भिजवा सकते हैं हमारे यहाँ पे

स्टिल शॉप ऑफ दिस एक भी नहीं है कहीं पे भी कोई टेम्पोर वाली शॉप नहीं है कोई परमानेंट वाली शॉप नहीं है इवन पकड़ पकड़ के बंद करवा रहे हैं पूरे के पूरे फैक्ट्री को ही बंद करवा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही बंद कर रहे हैं तो मिलेगा कैसे यहाँ पे चलिए इसी के साथ भाई अब हमारा सेशन तो ओवर हो गया हैप्पी दिवाली आप सबको एक बार फिर से मैं विश कर दू यहां पे दिखेगा इनिंग ग्रीन पे ना पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं मिल रहे हैं हम मिलने वाले हैं और भी सेशन में लेकिन बहुत सारे लोग विश कर रहे हैं अभी आर वेरी हैप्पी दिवाली गर्स इन्जॉय करिए बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा हर चीज़ को इन्जॉय करना चाहिए इसीलिए हम लोग क्रैकर्स बहुत चलाते हैं लेकिन यहाँ पे तो मिल नहीं रहा है तो आप लोग चलाइएगा हम लोग की तरफ से खूब एंजॉय करिएगा लेकिन स्टडी को सबसाइड मत करेगा ठीक है हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ क्योंकि आ, बहुत ज़्यादा कोरोना है इसलिए रोक दिया गया है तो आप लोग उससे भी ध्यान रखें अपना और सबका ठीक है तो मिलेंगे आप नेक्स्ट सेशन में शाम तक एक दो सेशन और आएंगे कल भी आएंगे अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज शेयर जरूर करिएगा इसको ठीक है एंड विद योर पर्सनल टच और संजय इफ यू आर यूर लिसनिंग टू मी आप प्लीज मुझे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे और लिख दीजिएगा मैम आंसर है तो मैं उसको शेयर कर दूंगी ठीक है ताकि सबको सही हो जाए ओके चलिए इंडिया स्टडीज की टीम टीम की तरफ से आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर से थैंक यू वेरी मच टेक केयर ऑफ योर सर विशवा वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगैन थैंक यू